नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। साल 2023 विदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और इसे खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया। जाते हुए साल में बीते यादें जहन में ताजा होना लाजमी है, क्योंकि ये साल भारत के लिए बेहद खास रहा और इस साल देश में तमाम बड़े इवेंट्स हुए, जिसने सिर्फ भारत के लोगों में ही नया जोश नहीं भरा बल्कि पूरे दुनिया में इनकी चर्चा रही। ईयर एंडर 2023 में आइए आपको बताते हैं ऐसे पांच बड़े इवेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो काफी सुर्खियों में रहा, चंद्रयान 3 और आदित्य L1। अंतरिक्ष की दुनिया में भी इस साल भारत का डंका बजा है। चंद्रयान 3 के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया जिसे अब तक दुनिया में कोई नहीं कर सका है। चंद्रयान 3 के जरिए चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना है। इसके अलावा आदित्य L1 की सफलता के जरिए भारत ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। आदित्य L1 का मकसद सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है। दूसरे नंबर पर है G20 की मेजबानी। G20 की मेजबानी इस साल भारत ने की है। इस इवेंट ने दुनिया के तमाम देशों के सामने तेजी से उभरते भारत की मजबूत छवि को पेश किया है। भारत को नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी गई थी। ये अध्यक्षता ऐसे समय पर सौंपी गई जब पूरा विश्व आर्थिक चुनौतियों जैसे पॉलिटिक्स संघर्ष और कोरोना जैसी महामारी से उभर भी नहीं पाया था, लेकिन भारत ने इस तरह से G20 इवेंट का आयोजन किया कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की तारीफ की। इस इवेंट को लेकर 8 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से ज्यादा बैठकें हुई। करीब 125 देशों के 1,00,000 से ज्यादा मेहमानों ने भारत का दौरा किया। G20 समिट में वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर थीम के जरिए भारत ने दुनिया की आशाओं को नए पंख भी दिए हैं और युद्ध की बजाय शांति सौहार्द का संदेश भी दिया है। तीसरे नंबर पर है न्यू पार्लियामेंट। साल 2023 में ही भारत को नया संसद भवन मिला जिसकी चर्चा देश विदेश में रही। वहीं पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नाम दिया गया। 971 करोड़ रुपए से तैयार नए संसद भवन में कुल 1280 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। इसमें वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की कहानियां चिन्हित है। चौथे नंबर पर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। भारत कृषि प्रधान देश, ऐसे में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने श्री अन्न योजना की शुरुआत की। श्री अन्न योजना के जरिए मोटे अनाज को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। साथ ही मिलेट्स को लेकर दुनिया के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव दिया था कि साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया जाए। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन किया और उसके बाद राष्ट्र महासभा ने 5 मार्च 2021 को घोषणा की कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। लिहाजा ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। और पांचवे नंबर पर रहा ऑटो एक्सपो। इस साल भारत के सबसे बड़े ऑटो इवेंट की 3 साल वापसी हुई। ये इवेंट हर 2 साल पर होता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे 1 साल की देरी से आयोजित किया गया। 13 से 18 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में आयोजित इस इवेंट में टाटा मोटर्स, मारुति, किया, हुंडई मोटर, लेक्सस, टोयोटा, एमजी मोटर, बीवाईडी और बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप कंपनी ने भी हिस्सा लिया। तो ये था साल 2023 के वो इवेंट, वो घटनाएं जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। 2023 आपके लिए कैसा रहा, आपके लिए क्या कुछ खास रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज फर्स्ट 21 पर। आपके हक की बात।